मुंबई की हाई राइज बिल्डिंग में लगी आग, लपटे देख मची अफरा तफरी। 135 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। मुंबई में आज एक 24 मंजिला इमारत में आग लग गई, इससे हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर 135 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है हो सका है कि आग कैसे लगी। अधिकारियों का कहना है कि घटना की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। जानकारी के अनुसार ये घटना घोड़ापदेव इलाके में महाड़ा कॉलोनी में न्यू हिंद मील कंपाउंड में हुई। यहां हाई राइज बिल्डिंग की तीसरी मंजिला पर सुबह 3:40 पर आग लग गई। लोगों ने आग की लपटें देखी तो हड़कंप मच गया। आग लगने से काफी सामान जलकर राख हो गया। 3 से 4 लोग दम घुटने के कारण 3 से 4 लोगों की तबीयत भी बिगड़ गई। लोगों ने तुरंत घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर लोगों को निकाला और आग बुझाना शुरू कर दिया। इस 24 मंजिला इमारत में सरकार की ओर से मुख्य रूप से मिल में काम करने वाले श्रमिकों को फ्लैट दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि बिल्डिंग में रहने वाले 25 लोगों को छत से, 30 लोगों को 15वीं मंजिल पर बने शेल्टर एरिया से और 80 लोगों को 22वीं मंजिले पर बने शेल्टर एरिया से निकाला गया। अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कॉल मिलने के बाद 5 दमकल की गाड़ियां और 3 पानी के टैंकर मौके पर भेजे गए। इसी के साथ अन्य फायर ब्रिगेड को भेजा गया। सुबह 7:20 तक आग पर काबू पा लिया गया। नगर निगम अधिकारी ने बताया कि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। अनुमान संभावना जताई जा रही है कि आग एक किसी घर में शॉर्ट सर्किट के कारण लगा और देखते देखते इतना ज्यादा उग्र हो गया।